यदि नए लिखने वाले अपनी पहली पुस्तक के लिए प्रकाशन के लिए जब भेजना चाहें तो क्या कुछ टिप्स आप देंगे? हम तो ऐसे उठा के जैसे गजलें भेज देते हैं, कुछ आप ऐसे जो, क्योंकि आप में ऐसे गजलकार भी आप हैं और एक प्रकाशक के तौर पर भी, क्या आपको लगता है कि कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी भी पुस्तक का प्रकाशन करवाएं, चाहे वो पहली हो या दूसरी तीसरी? मुझे लगता है, वैसे तो जो चीजें अभी जहन में मेरे आ रही हैं कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। जी एक तो ये है जी कि आपको किताब जब छपवानी है, आप क्योंकि हम सब लिखने वाले लोग हैं तो हमने काफी कुछ लिखा हुआ है, तो पहले ही सवाल ये आता है कि किताब छपवानी, तो एक तो हमें ये जानना चाहिए या पता करना चाहिए कि आखिर किताब क्यों छपवानी, क्या कारण, किस वजह से छपवाना चाहते हैं। जी उसके हिसाब से ही हम आगे की चीजें तय करते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि मेरी किताब बहुत लोग खरीदें मार्केट में, कोई चाहता है कि नहीं मेरी किताब मैं अपने मित्रों को बांटूं और वो पढ़ें, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमने लिखा है हमारे जाने के बाद ये एक अमर कृति हो जाए, है ना। और कुछ लोग इसलिए जी भी कि कई बार ये भी कारण होता है कि हमारा एक एक मार्केटिंग टूल है ये, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी जो विश्वसनीयता है वो इसको बढ़ा देती है किताब ना। तो हम एक तो ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्यों छापना, उसका जब जवाब मिलेगा तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इसको पढ़ेंगे, ताकि हम उन तक पहुंच सकें। हर व्यक्ति को किताब देना समझदारी नहीं है। मान लीजिए मैंने किताब छपवाई और मैंने 500 किताब छपवा ली और मैं हर मिलने वाले को फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे घर के सदस्य भी हैं, पड़ोसी भी हैं और बहुत से लोग हैं, तो आप अगर अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको फ्री में बांट रहे हैं, तो कहने का मतलब यह कि वो आपका अच्छा मित्र है, ये तो ठीक है, पर क्या वो अच्छा पाठक है, क्या वो अच्छा रीडर हो सकता है। सही अगर बात, वो अच्छा रीडर नहीं सही है, बात, अगर उसको किताबों से लेना देना है ही नहीं, तो आपके स्नेह में आकर के वो ले तो लेगा, लेकिन एक प्रति के ऊपर आपका जो खर्चा हुआ है वो खर्चा एक तरह से वेस्ट हो गया, क्योंकि उसको पढ़नी तो है नहीं, वो रद्दी वाले के पास मतलब दिवाली की सफाई में वो निकल जाएगी। और ये आप आजमा के देखिएगा, जितने मित्रों की किताब छपी हुई है वो ऐसा करके देखिएगा कि जितने लोगों को आपने किताबें अपनी दी है उन सबको फोन करके या मैसेज करके बोलिएगा कि भाई आपके पास हमारी किताब है, तो हमारी किताब के विषय में अपने दो शब्द या तो लिख करके भेजो या वीडियो बना करके भेजो। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि 10% लोग ही आपको प्रतिक्रिया देंगे किताब के बारे में, 90% नहीं देंगे क्योंकि तो उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट है कि आपको जो आपने किताब छापी है वो उसका करना क्या है, सबको आप क्यों बांटना चाह रहे हैं, एक चुनिंदा लोग हैं जिनको आप बांटे वो ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको कितनी कॉपी छापनी चाहिए, कितनी कॉपी छपवानी चाहिए। प्रकाशक तो कह देगा जी 500 छपवा लूं, लेकिन आप ये देखो कि असल में क्या 50 कॉपी से काम चल जाएगा। अगर 50 कॉपी से काम चल जाता है तो अत्यधिक पैसे को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। 50 कॉपी बनवा लीजिए, 100 बनवा लीजिए, या और कम से हो जाएगा तो और बनवा लीजिए, क्योंकि आजकल असली प्रचार प्रसार तो ऑनलाइन होना है। किताब का जो भी प्रचार प्रसार होगा, लोग जुड़ेंगे, लोगों तक हम पहुंचेंगे, वो हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचते हैं। फिजिकली लोगों तक पहुंचना आजकल कठिन हो गया है। फिजिकली आप किसी के पास किताब पहुंचाएंगे तो आपने किताब छापने में पर बुक में 100-150 रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद आप उसको पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट का खर्चा भी आप करेंगे, उसके बाद भी सामने वाला पढ़े ना पढ़े जरूरी नहीं है, और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचते। तो एक तो ये डिसाइड सोचना चाहिए किताब छपवाने से पहले कि कितनी कॉपी आपको छपवानी है। दूसरा आपको ये सोचना है कि वो कौन लोग हैं जो इसको पढ़ेंगे, वो लोग कहाँ मिलेंगे आप, क्या वो किसी काव्य गोष्ठी में मिल जाएंगे, क्या वो किसी फेसबुक के ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, तो जहां वो मिलेंगे वहां पे आप अपनी बात रखिए। आप सबके सामने मत रखिए, हर किसी को किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात यह कि जब आप अपनी किताब किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को, किसी को फ्री में देते हैं तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता, उसका महत्व उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो कोशिश करिए कि जो बिल्कुल आपके फ्रेंड्स या जानकार हैं वो चाहे 50% डिस्काउंट में आपसे खरीदें या अमेजोन से खरीदें या आप उनको कितना भी डिस्काउंट दें, पर कुछ खर्चा वो करें ताकि उसको वो पढ़ भी सके, उसकी वैल्यू भी, फ्री में लेने के बाद वो कभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। पेज संख्या कितनी होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना चाहिए। बहुत मोटी किताब लिखने की भी जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपने बहुत सारे कविताएं या गजलें 400-500 इकट्ठे किए हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 250-300 पेज की एक ही बना लो, जरूरत नहीं है। अब आप 250-300 की एक बनाएंगे तो आप 100-100 पेज की तीन बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अधिक लंबे समय तक जी एक है ना, या फिर कई बार ये होता है कि हमने 40 रचनाएं लिख दी हैं तो वही छाप दें, वो भी नहीं, लगभग 100-125 पेज ही होने चाहिए, एक ये हमें सोचना चाहिए, है ना, ये भी है। कोशिश करिए किताब छापने के अलावा उस किताब की ई बुक जरूर बने, ताकि वो लोगों को डिजिटली भेज सके। हमारी किताब हम कोशिश भी करेंगे तो बहुत हाथ पैर मार के 50 लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन एक ई बुक को आप अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो हजारों लोगों तक आराम से पहुंचा देंगे, तो वो ज्यादा लोगों तक जाएंगे, ज्यादा वाह, लोगों तक पहुंचे। दूसरी क्या बात बात ये है, वैसे टिप्स तो मेरे पास इतनी है कि मैं खत्म नहीं होऊंगा, क्योंकि दिन भर यही सब नहीं, चलता रहता लेकिन है। अब लेकिन एक बहुत जो सब क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी थे मैंने पूछे भी नहीं थे, और जो हम जानना चाह रहे थे आपने खुद ही सिलसिलेवार बहुत अच्छे से ये बात समझाई, जो शायद अभी मैं आगे पूछती आपसे। बहुत ही जी प्यारी जी जी जानकारी आप दे रहे हैं, और ई बुक का भी आइडिया बहुत अच्छा है। तो ई बुक कैसे बनाएं वो भी अगर कम समय में आप बता सकें, कुछ हिंट आइडिया दो दे सकें कि तीन तरीके हैं ईबुक बनाने के। एक तो तरीका थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। टेक्निकल ये है कि आप जाएंगे अमेजोन किंडल की वेबसाइट पर, और अमेजोन किंडल पे आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेंगे। थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है कि जो भी लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वहां पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भी डालनी पड़ती है, ताकि कोई खरीदेगा तो वहां से पेमेंट आपके अकाउंट में आ सके। तो या तो सौम्य अगर जी, आप ये जो सौम्य जी जो अमेजोन वाला आपने बताया, क्या ये पहले से प्रकाशित पुस्तक का बनाया जा सकता है ई बुक, या नई रचनाएं होनी चाहिए उसकी? कोशिश करें जो पहले से प्रकाशित, वैसे बना तो आप फ्रेश किताब का भी सकते हैं, लेकिन जो पहले से प्रकाशित है उसका आपके पास ISBN नंबर है, तो इसलिए जी जो प्रकाशित है वो कोशिश करें कि उसका बनाएं। जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई कॉपीराइट का इश्यू आ जाए कल को, अगर हमने पब्लिश कर दी जो छपी हुई नहीं है और वहां से कहीं किसी ने उसको मिसयूज कर लिया, तो वो थोड़ा सा डर मुझे जी लगता है। अब पता नहीं मेरा डर सही है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं, बिल्कुल हमारी सही एक है। किताब है ना, अगर हमारी किताब ऑलरेडी छपी हुई है हार्ड कॉपी में, उसकी PDF अगर आप वहां अपलोड कर रहे हैं, इट्स ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी छपी हुई है, तो आपके पास एक क्लेम करने के लिए कि जी ये मेरा मेरा संकलन है, तो कोई जी और उसको नहीं छू जी सकता। क्या बात है। तो मुझे लगता है साथियों, बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे साथ सौम्य जी ने शेयर की है, और बहुत ही ये भी एक नायाब नमूना है साहित्य सेवा का, जो आप शब्दांकु प्रकाशन के माध्यम से कर रहे हैं, कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोफाइल प्लस वेबसाइट आप दोनों दे रहे हैं, और ई बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या अपना फोन नंबर शेयर करना चाहेंगे स्वामी, यदि आपको नहीं कर दिक्कत ना सकते हो हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, जी? फोन नंबर कर सकते हैं वैसे, तो बिल्कुल। तो नंबर बहुत सरल है, 9210, उसके बाद 4 बार 7, 2 बार 9, क्या नाइन बात टू है, 9210 10 777 777 99। 77। बहुत स्वागत। जल्दी कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी बोलूं, ताकि मैं ज्यादा समय ना लूं। नहीं, आप आराम से दरअसल बोले, आप आराम से बोले। स्वागत। बिल्कुल, समय की सीमा है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट किताब का था जो कि हमारे पास है, जो हम नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया ई बुक वाला, ई बुक जो कि हम डिजिटली डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया है ऑडियो बुक का, ऑडियो बुक आदमी सुन सकता है चलते यस, फिरते काम करके, ऑडियो बुक, तो वो भी बिल्कुल। हमने कोशिश की थी ऑडियो बुक बनाने की, लेकिन उसमें बहुत मेहनत वाली काम है। लेकिन एक एक थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, डिजिटल सॉरी ई बुक ऑडियो बुक के बाद वाली एक बात बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। बात एक हमारे लेखक हैं मुमताज सादिक साहब, तो मुमताज सादिक जी, साहब ने क्या किया है कि जो नवरात्रि की जो 9 देवियां हैं, 9 देवियों की जानकारी, और आयुर्वेद में कुछ ऐसा विधान है कि हर दिन के लिए आयुर्वेद की विशेष औषधि है, कि उस औषधि को ग्रहण करने से आप पर्टिकुलर एक रोग रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज पे काम किया हुआ था, क्या और बात है। उन्होंने बहुत अच्छे से वो तैयार करके हमें दिया कि इसको छापिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नवरात्रि तक आ जानी चाहिए किताब। लेकिन हमने सारे कयास लगाए, मैंने कहा सर नवरात्रि तक नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलर एक एक औषधि की फोटो ढूंढनी पड़ेगी इंटरनेट पे, और वो थोड़ा सा श्रम वाला काम है, और उसमें हर बहुत सारी चीजों में बहुत सारा समय लगेगा। तो कोशिश हमने पूरी करी कि नवरात्रि तक वो किताब आ जाए, ताकि हम उसको रिलीज कर सकें, पर वो नहीं हो सका। तो ऐसे में मुमताज सर जो है थोड़े से निराश हो गए, उनको लगा कि उनकी मेहनत खराब हो गई, और मुझसे उनकी जाहिर निराशा है, देखी नहीं गई।
मुझे, मैंने क्योंकि हाँ व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है और अब समय नहीं मिला, तो फिर अब मार्च में दोबारा नवरात्र आएंगे, समय लगेगा। तो उनकी निराशा जब हुई तो मुझे लगा कि कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि उस पूरी बुक को संक्षेप में करके और हर रोज हर एक देवी के को एक चैप्टर बनाया, और चैप्टर वाइज हमने 9 वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। अब हर रोज यूट्यूब पर एक वीडियो के माध्यम से डिजिटली ये बता रहे हैं कि ये कौन से इस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, और उस दिन कौन सी वो आयुर्वेदिक औषधि है जिसको लेने से आपके कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं। तो उसको पूरी बुक को क्या हमने एक चैप्टर वाइज बना दिया है, और आप शब्दांकुर प्रकाशन में जाएंगे तो वो सीरीज आपको मिल जाएगी। उस सीरीज का नाम है दुर्गा आयुर्वेद और स्वास्थ्य, दुर्गा क्या बात आयुर्वेद और स्वास्थ्य। तो आज चौथा दिन था, तो चौथे दिन की वीडियो हमने डाली है, कल 5वें दिन की आएगी, आप देखेंगे तो हर रोज एक नई वीडियो 9 दिन तक आएगी। तो ये एक वाह डिजिटल की पावर है क्या जी। बात है। तो मुमताज सादिक साहब को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आपको भी कि आपने उनकी मेहनत को सार्थक किया। और चलिए चलिए फिर इसी के साथ मैं जाते हुए भी इजाजत लेते हैं, बहुत समय लिया सौम्य जी आपका, हमें तो बहुत आनंद आया, एक से बढ़कर एक गजलें, और समय सीमा को लांघने का बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है। और मुझे यकीन है हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं आप भी शुक्रिया कर रहे हैं सौम्य जी का, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ भावांजलि की ओर से आपका पुनः आभार और बहुत इजाजत। धन्यवाद।